वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली कूच पर अड़े किसानों से एक बार फिर बातचीत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए ही समाधान ढूंढने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। सरकार की तरफ से 5 फसलों पर MSP की गारंटी का जो प्रस्ताव दिया गया है उसे किसानों ने धोखा बताकर खारिज कर दिया और आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने मुद्दों के समाधान के लिए किसान नेताओं के साथ फिर से चर्चा करने की बात कही। किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान के तरफ ले जाना है उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढे और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। जी मीडिया संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ कालिंदी कुंज बॉर्डर से जुड़ गई है। अनुष्का, तस्वीरें सुबह के बाद अब कितनी बदली हैं, क्या तस्वीरें अब नजर आ रही हैं? दूसरी तरफ किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, किसानों का कहना है कि हम अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए दिल्ली आगे बढ़ना चाहते हैं। शिवांगी, 4 बार किसानों की सरकार के साथ बैठक हुई और चारों बार हम देख रहे थे कि जो बैठक है वो नाकाम साबित हुई, जिसके बाद से किसान लगातार दिल्ली कूच करने की बात को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह से जो किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल होने की बात कर रहे हैं। जो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी है उन्होंने कहा कि अगर जो बात सरकार है वो अगर उनकी मांगे नहीं मानती है तो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी जो किसान हैं वो इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होंगे और सभी लोग दिल्ली कूच करने की एक साथ कोशिश करेंगे। बहरहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, कालिंदी कुंज की तस्वीरें हैं जहां हमने देखा था सुबह ट्रैफिक काफी ज्यादा क्लियर साफ देखने को मिल रही थी, जो गाड़ियां हैं वो पूरी रफ्तार के साथ यहां से गुजरती हुई नजर आ रही थी। वहीं अब धीरे धीरे जैसे जैसे पीक आवर पास आता जा रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं यहां पर ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं आप सड़क के उस तरफ किस तरीके से सुरक्षा सैनिक बल के जवान तैनात है, दिल्ली पुलिस के जितने जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पर है, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के जितने जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग्स जो है वो लगाई गई है, लगातार जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर यहाँ पर जो खड़े होकर जांच का काम है वो करती हुई नजर आ रही है। अगर बहुत जाम की स्थिति बनती है तो ट्रैफिक पुलिस के जितने भी जवान है वो काफी ज्यादा फुर्ती से हम देख रहे हैं कि जाम जो है वो हटाने का जो काम है वो कहीं ना कहीं शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जो किसान है वो दिल्ली चलने की, दिल्ली कुछ करने की बात जो है वो आगे रख रहे हैं। मांग लगातार उनकी है कि 23 फसलों पर MSP जो है वो दी जाए, कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि मक्के के ऊपर और साथ ही साथ आपको बता दें दाल के ऊपर और साथ ही साथ कपास के ऊपर जिस तरीके से सरकार ने कहा कि MSP प्रोवाइड करेंगे जिससे जो फसल है उसको बदला जो है बदला जाएगा और लगातार इसकी जो मिट्टी की उर्वरा है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन इस बात को किसान साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखने की एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि 23 फसलों पर उनको MSP जो है वो चाहिए। साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कालिंदी कुंज की तस्वीरें हैं, किस तरीके से आम लोगों के लिए अब दफ्तर जाने का जो समय है वो शुरू हो चुका है। वेडनेसडे का दिन है आज, लगातार आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जाम की जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत बनती हुई दिखती है। और इसके अलावा आपको बता दें अभी से जो यहाँ पर जाम का सिलसिला शुरू होगा वो दोपहर के 2 से 3 बजे तक किसी तरीके की भीषण जाम का लोगों को सामना करना पड़ेगा। बीते दिनों भी हमने देखा था कि किस तरीके से लोग गाड़ियों से उतर उतर के पैदल रास्ते को पार करने की कोशिश में लगे थे और आज भी जो तस्वीरें हैं बहुत ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर किस तरीके से ट्रैफिक कंजेशन की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। एक महत्वपूर्ण सड़क है जो कालिंदी कुंज को शाहीन बाग से, फरीदाबाद से और नोएडा से जोड़ता है और अभी से ही आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जाम की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस अभी भी तैनात है कि किसी भी तरीके से अगर किसान इस बॉर्डर से दिल्ली के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उनको मौके पर ही रोका जा सके। लगातार हम देख रहे प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद देखने को मिल रही है, किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच पंजाब से जो पुलिस है उन्होंने किसानों से अपील की थी कि जिस तरीके से वो जो हैविली डेवलप्ड जो व्हीकल्स है वो लेकर के हरियाणा बॉर्डर पर
पहुंच गए हैं, तो उनसे लगातार इस बात को लेकर के अपील की जा रही है कि इस तरीके की व्हीकल्स लेकर के वहां पर ना पहुंचे। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए व्हीकल्स काफी ज्यादा काम में आते हैं और इसको लेकर के हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को कहा था कि किसी तरीके से उनको रोका जाए। तो हम देख रहे हैं साफ तौर पर सरकारों की तरफ से बातचीत की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और किसान जो है वो भी लगातार कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा लंबा चलेगा और वो अपनी मांगों को लेकर के इसी तरीके से डटे रहेंगे सभी बॉर्डर्स पर जब तक कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी तरीके से सरकार नहीं सुन रही थी। निश्चित रूप से अनुष्का बनी रही है हमारे साथ, जी मीडिया संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं शंभू बॉर्डर से। अमित, तस्वीरें आज जो है वो पहले के मुकाबले अलग देखी जाएंगी, क्योंकि अब किसानों की तैयारी है कि पोकलेन मशीनों के साथ में जेसीबी के साथ में आगे बढ़े। कुछ देर पहले हमने देखा कि किसान संगठन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, यानी कि अपने मत पे किसान डटे हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मौसम भी काफी खराब है और जो विजिबिलिटी है जीरो है धुंध के कारण, तो यहाँ पर वो भी एक बड़ी चुनौती है फोर्सेस के लिए भी। और आपको बता दूं कि जिस तरह से पोकलेन मशीन्स आई हैं, जिस तरह से जेसीबीज उन्होंने तैयार की हैं, वो ऐसे लग रहा है कि किसी युद्ध पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस भी तैयार है और डबल कर दी गई है संख्या, जिस तरह की संख्या हम बता रहे थे उससे डबल कंपनीज कर दी गई हैं। लगातार जो है अभी स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी, उनके अधिकारी भी जो है वो वहाँ पर मौजूद है, अधिकारियों से बातचीत भी हो रही है, चाहे वो BSF हो, चाहे वो जो है वो CRPF हो, अलग अलग जगह पर SSP के जवान भी यहाँ पर जो है पहुँचे। और मैं बता दूँ कि मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन जिस तरह से उग्र होके वो लोग आएंगे, 14,000 से ऊपर की भीड़ है, 5,000 के करीब जो हमारा इंटेल इनपुट बता रहा है कि सोर्सेज यही कह रहे हैं कि 5,000 के करीब लोग जो हैं दिल्ली NCR में दाखिल हो चुके हैं अलग अलग तरीके से, और उन्होंने धर्म स्थलों में जो है वो शरण ले रखी है। तो वहाँ पर भी एक बड़ी चुनौती जो है वो बन सकती है ये सुरक्षा व्यवस्था, वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस को देखना पड़ेगा और दिल्ली के आसपास जो क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी लगे हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि इस तरह के लोग जो हैं वो इकट्ठे ना हो पाएँ, क्योंकि वे बड़े दिनों से इस तरह की स्ट्रैटेजी इनकी चल रही थी। लगातार किसान नेता शांतिपूर्ण ये बातें कर तो रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके का कोई विरोध उनका दिखाई दे नहीं रहा और लगातार गतिरोध बना हुआ है पुलिस और किसानों के बीच में। आज जिस तरह की उन्होंने तैयारी की, ऐसा लग रहा है कि किसी युद्ध पे जा रहे हैं। एक बड़ा नुकसान हो सकता है अगर यहाँ पर टकराव हुआ, और ये एक बड़ी गंभीर स्थिति बन सकती है, और इस समय बचना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि मासूम किसान भी उनके साथ बैठा, क्यों, और उसकी जान की हिफाजत भी किसान नेताओं की जिम्मेदारी है। और ये इतना बड़ा हुजूम यहाँ पर लेके आना और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी से दिल्ली के आसपास अपने लोगों को भेज देना, ये इंटेल सोर्सेज बता रहे हैं, तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। हालांकि किसी ने भी इनको रोका नहीं दिल्ली जाने के लिए, आप बसों अवे और ट्रेनों में जा सकते थे, लेकिन आप ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके जो इतना बड़ा एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं उस तरीके का, और अपनी तरीके की जो है वो एक तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उस तरह से फोर्सेस करने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर आप दाखिल होंगे तो बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न होगी, हमें आपको रोकना पड़ेगा, तो आप अग्रेसिव ना हो, वहीं बैठे रहें। लगातार किसान नेता जो है, चाहे वो सरवन सिंह बंधेर हो, जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, वो यही कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते हैं। तो आपको तो पहले भी किसी ने नहीं रोका, लेकिन आप जिस तरीके से अब भी जाना चाहते हैं, आप जो तस्वीर जो पहले आपकी गलतियों के कारण दिखाई दी थी और अभी भी वो दिखाई दे रही है, तो वो उस तरीके से नहीं होगा। लोगों को भयभीत करने की कोशिश ना करें। आज बच्चों के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, उनके अभिभावक जो है वो बड़े परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, कहां पहुंचे, उनकी परेशानी इस पूरे जो भी सीन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से बढ़ती जा रही है। हालांकि किसान अपने मत पे डटे हुए हैं, सरकार बातचीत के लिए प्रयास कर रही है, देखना होगा कि अब आज आगे क्या तस्वीरें निकल कर आती है। फिलहाल धन्यवाद आप दोनों का, तमाम तस्वीरों और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।